सही बोला किसी ने कि जल्दबाजी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का। बिल्कुल सही कहावत बनी है। कभी कभी ना कहावतें सही असर कर जाती है हमारे पास, और हम लोग सुनने के बावजूद भी गलत काम ही कर देते हैं। और मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ ऐसा। तो जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर लिया, जिसकी वजह से बहुत ही सारी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ी। थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में इतनी दिक्कत कर ली, और उसकी वजह से फिर हम भागते फिरे ऐसा काम हो गया। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कटल, कटल की सब्जी बना रही हूँ मैं। कटल अभी मार्केट में थोड़ा ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं कटल बना रही हूँ आज। और कटल को मैंने तेल डाल करके फ्राई करने के लिए रख दिया था। कटल को मैं हमेशा फ्राई करके बनाती हूँ थोड़ा सा, और इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे प्याज मेरे भुन गए थे, कटल भी मेरा हो गया था। कटल को थोड़ा सा ना मैंने लाल लाल सा फ्राई किया था, बहुत ही अच्छा लगता था, एक तरह से पक ही जाता है कटल। यहाँ पर मैंने डाल दिया था तेल, और तेल में मैं करूँगी फ्राई थोड़ा प्याज। प्याज को मैंने मिक्सी से पीस लिया था। मिक्सी से पीसने के बाद ना थोड़ा सा अच्छे से मसाला बनता, बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है ऐसे, और बिल्कुल है ना कटल पे ऐसे चिपक जाता है मसाला, बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटर, छोटे छोटे 3 टमाटर लिए मैंने, और डाल दूंगी हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने डाल दूंगी जीरा, और जीरा डालने के बाद मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज को अच्छे से भूनना है, बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा प्याज भूनने में, पर अच्छे से भूनूंगी मैं बिल्कुल। थोड़ा ज़्यादा है प्याज इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं जब तक काट रही हूँ टमाटर थोड़ी पीस रही हूँ, और पीसने के बाद ना मसाला अच्छा लगता है। और दूसरी बात, मैं तो हमेशा टमाटर पीस करके डालती, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड हमेशा टमाटर का छिलका, ऐसे थोड़ा मोटे टमाटर होते हैं, हमेशा साइड में डाल देते हैं, खाते ही नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है उनको टमाटर से, ऐसे कच्चा खा लेगी लेकिन सब्जी में ऐसा नहीं खाएगी, तो हमेशा साइड में निकाल देते। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मैं मिक्सी से पीस करके ही डालूँ, और बहुत ही कभी जल्दबाजी होती है तो मैं ऐसे काट करके डाल देती हूँ। और थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्याज को भुनने में, क्योंकि ज़्यादा है यहाँ पे। जब तक मैं अपने एक्स्ट्रा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि काम कितना भी जल्दी कर लूँ लेकिन फिर भी कमी पड़ जाता है, कि अब कितने भी जल्दी जल्दी कर लो उसके बावजूद भी टाइम ऐसे बीतता है ना। और छुट्टी वाला टाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बिल्कुल बीतता है ना, बहुत ही जल्दी बीतता है, और काम ही नहीं खत्म हो पाता। तो आज मेरे हस्बैंड घर से काम कर रहे हैं, और मेरे बच्चों की छुट्टी है, सैटरडे की छुट्टी रहती है मेरे बच्चों की। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आटा गूंद रही हूँ, जब तक प्याज होंगे। प्याज को भूनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, लेकिन अच्छे से भून जाएंगे तो स्मेल नहीं आती जब है तक मैंने प्याज से। आटा वाटा लगा दिया है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो वैसे भी लेट शुरू करते हैं, लेट ही काम हो जाता है, और इतना ही लेट करते करते बहुत ही टाइम हो जाता है। और मेरी किचन में आ जाती है धूप, मेरी खिड़की इतनी बड़ी है कि सामने इतना धूप आ जाती है बहुत ज़्यादा। लड्डू भी उठ गई है, और लड्डू आ गई है। आजकल मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, इसको फीवर वगैरह हो रखा है, तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रही है इसकी। यहाँ पे मैंने डाल दिए मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, नमक वगैरह सब डाल दिया है मैंने, धनिया पाउडर भी डाल दिया। और यहाँ पे लड्डू करती है मेरे से प्यार, इतना प्यार करती है मेरी बेटी। और मिनटों में मैं फिर उसको अंदर भेज दिया मैंने, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा दिक्कत रहती है, क्योंकि धूप भी थी और यहाँ पे ना दिक्कत रहती है गैस के पास, कभी अचानक से बैठ जाए, फिर खिड़की भी मेरी खुली रहती है, तो इसलिए मैं हमेशा इसको थोड़ा सा दूर ही रखती हूँ यहाँ पे। यहाँ से लड्डू के लिए मैं बना रही हूँ पराठा, नमक का पराठा, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। ये आलू की सब्जी के साथ खाती है, सिर्फ आलू आलू के साथ, या फिर वो खाती है नमक का पराठा, बिल्कुल सिंपल पराठा खाती है, कभी सब्जी वगैरह ऐसी नहीं खाती है, दही के साथ खाती है, दही के साथ बहुत खुश होकर के खाती है। और यहाँ पे आटा मेरा हो गया था, और आटे पे सिर्फ मैंने अनिका का एक पराठा बनाया है, तो क्योंकि बाकी जब सब खाएंगे उसके बाद ही मैं बनाऊंगी। अब सब्जी भी मेरी बन गई थी, लेकिन सब्जी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, कटहल की सब्जी में तो या करेला हो तो बहुत टाइम लग जाता है इनको बनाने में। और जब तक मैंने कर दिया था यहाँ पे, तैयारी सारी करके रख दूंगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का आ गया था फ़ोन, फ़ोन लेकर के मेरे हस्बैंड ने क्या करा, अपने फ़ोन रिप्लेस करवाया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अपना फ़ोन तो दे दिया, लेकिन उसमें से ये नहीं सोचा कि मैं सिम निकाल लूँ, और यही दिक्कत हो गई कि प्रतिदिन अपनी फ़ोन की सिम नहीं निकाली, और उसी की वजह से बड़ी दिक्कत हो गई। और यहाँ पर हर जगह फ़ोन कर लिया था मेरे हस्बैंड ने कि कहीं से उसका डिलीवरी बॉय का नंबर मिल जाए, लेकिन कहीं से भी नंबर नहीं मिल रहा था। और अमेजोन वगैरह में हर जगह पे फ़ोन कर लिया था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को आइडिया दिया कि आप अपने ही फ़ोन पे फ़ोन कर लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फ़ोन अपना स्विच ऑफ नहीं किया था। और यही हुआ कि उसने, हमने कम से भी कम 50-60 कॉल की होंगी उसको, करते रहे कॉल, लेकिन उसने बहुत ही लास्ट में जा करके बहुत ही देर बाद फ़ोन उठाया, क्योंकि उसने पैक करके डब्बे में रख लिया था।
और वहाँ जा करके अपने ऑफिस में जा करके उसने फ़ोन उठाया और उसने अपने ऑफिस का फिर पता दिया। फिर हम लोग पहुँच गए थे उसके उनके ऑफिस में और वहाँ से हमने सिम ली, मेरे हस्बैंड सिम लेकर के आ गए थे और खुश हो रहे थे कि शुक्र है कम से कम मेरी सिम मिल गई। और यहाँ पे अभी तक मेरे हस्बैंड ने अपना फ़ोन नहीं खोल करके देखा, लेकिन अभी खुशी इतना हो रही है बहुत ज़्यादा और पसीना आ गया इनको। अपनी सिम ढूंढने में बहुत ही देर लगी हमें, सिम ढूंढवाने में मतलब बहुत देर लगी हमें, उनका ऑफिस भी नहीं मिल रहा था और बहुत दिक्कत हुई। तो इसी वजह से जल्दबाजी के चक्कर में मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे और जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने अपना फ़ोन उनको ऐसे ही दे दिया। बस रिस्टार्ट तो पहले ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन ऐसे ही दे दिया, सिम नहीं निकाली, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही दे दिया। जब तक सोचा कि चलो मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस में, लास्ट में फ़ोन की सिम निकाल लूँगा, लेकिन ऐसे हो गया दिया उनको फ़ोन और निकालनी, फिर लास्ट में सिम याद ही नहीं रही। लास्ट लास्ट के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने ऐसे ही दे दिया और इनके साथ ऐसे काम हो गया आज। तो यहाँ पे फोन सिम माने के बाद ही इन्होंने अपना फ़ोन चेक किया और ऑफिस से इतने फ़ोन आ रहे थे, इतने फ़ोन आ रहे थे। लड्डू इतना खुश हो रही है कि पापा मुझे कुछ खिलाएंगे, अब पिज़्ज़ा खिलाएंगे, पापा बहुत खुश हो रही है लड्डू। और यहाँ पे लड्डू को मना कर रहे हैं कि बाहर का मत खा, तेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी बोले नहीं पापा मुझे खाना है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर लिया था अपना तैयार, खोलते ही इतने फ़ोन आ रहे थे मेरे हस्बैंड के, बहुत फ़ोन आ रहे थे। तो वहाँ पे भी हमने देखा कि फ़ोन में भी बहुत सारी मिस कॉल आई हुई थी, तो लेकिन वहाँ पे कर नहीं पाए थे, तो अपना सिम निकाल करके ले आए थे। यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्ट फोन, और यहाँ पे स्टार्ट करते ही देखो कितनी दिक्कतें उन्हें लग जाती है कि मतलब काम भी करो ये भी करो, और काम की वजह से ही थोड़ा सा दिक्कत आ, क्योंकि मीटिंग वगैरह हो रही थी, तो इसी जल्दबाजी के चक्कर में इन्होंने फ़ोन उसको ऐसे ही पकड़ा दिया। और यहाँ पे करते ही स्टार्ट होते ही फ़ोन आने लग गए, या फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे, मतलब ये सब होने लग गया था। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ऐसे जगह के दिक्कत आ गई थी और लड्डू का यहाँ पे आया था दोस्त, मेरे हस्बैंड ने खिलाए फिर सबको गोलगप्पे, फ़ोन की खुशी आने में तो गोलगप्पे खिलाए सबको। कई बार छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ जाती है ना, तो यही हुआ आज। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।